हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जिसका इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था, वो चीज़ मेरे पास आ गया। दोस्तों जो है आप लोग देख सकते हो, अभी मेरे हाथों में जो है गूगल एडसेंस पिन है, इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है सारी जानकारी बताऊंगा कि गूगल एडसेंस पिन कब आता है और कैसे आता है और कितने दिन में आता है। अब तो दोस्तों मैं आपको जो है इसे ओपन करके दिखाता हूं कि जो है इसके अंदर जो है 6 डिजिट कोड जो रहता है, जो पिन नंबर रहता है, वो कैसा रहता है, मैं आप लोग को अभी जो है दिखाता हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। तो अभी देखिए जो इसके अंदर जो है 6 डिजिट का कोड जो निकलता है वो कैसा रहता है, किस तरह लिखा रहता है। तो अब भी देखो मैंने ओपन कर लिया है, बस थोड़ा और बचा है ओपन करने के बाद। इसके अंदर ही कहते हैं जो है 6 डिजिट का कोड जो होता है वो इसके अंदर ही रहता है। तो अभी देखिए कि क्या इसके अंदर कोड है। तो ये अभी हो गया, खुल गया और अभी आप देख सकते हैं कि कोड जो है, ये कोड है इसके अंदर। और इससे मैंने जो है एडसेंस में जो है वेरीफाई करना है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, मोबाइल में करके भी दिखाऊंगा कि जो है इसको जो है पिन को कैसे जो है वेरीफाई किया जाता है। सो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताता हूं। दोस्तों दोस्तों प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को करके दिखाया। आप लोग जो है देखा होगा कि मोबाइल पर मैंने किस तरह जो है पिन को वेरीफाई किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पिन जो है कम्प्लीटली कब आता है और कैसे आता है। तो जो है दोस्तों, इसके लिए आपको जो है, आपके पास अगर गूगल जो है गूगल एडसेंस पिन है, गूगल एडसेंस अगर है, तो आपको जो है उसमें कम से कम मान के चलो कि $6-100 आने के बाद जो है आपको जो है पिन के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और पिन के लिए अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है आपका जो पिन आता है जो है, और जो है आपका जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वही लेके आता है, तो आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए रीअप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आप गांव से हैं तो ये मान के चलो कि आपको दोबारा हो सकता है रीअप्लाई करना पड़ जाए। और सिटी के लिए, खासकर दोस्तों सिटी के लिए जो है अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिटी में जो है डाक भी जो है पार्सल भी आपके जो है डाकिया होता है, आपका पोस्टमैन जो होता है, वो आपको प्रैक्टिकली जो है आपके घर तक लाके देके जाता है। तो दोस्तों इसमें मेरा जो है, एक मान के चलो कि कम से कम मैंने जो है पिन को जो है अप्लाई किया था, तो मेरा जो है लग गया 20 दिन, तो मेरा लग गया 20 दिन के बाद जो है मेरे पास पिन आया। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि आप लोग जब कभी भी गूगल जो है एडसेंस बनाए, तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और जो है अपना जो है आधार कार्ड में जो भी आपका जो है डिटेल है, जो है मतलब एड्रेस है, उसको बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है फॉर्म करें। फॉर्म करने के बाद जो है आप उसको जो है गूगल एडसेंस बनाएं। और दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी बात और है कि आप जो है एक पैन कार्ड पे सिर्फ एक ही जो है गूगल एडसेंस बना सकते हैं। ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकली दिमाग में डाल के रखो कि आप ये बार बार सोचो कि मैं गूगल एडसेंस बना लूँगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। आप जब भी बनाओगे तो आप किसी का, मान लो अगर आपके फैमिली में कोई है, आप मान आप यूट्यूब चलाते हो या यूट्यूबर हो, आपका यूट्यूब पे अकाउंट है, तो आप जो है आपको ज़रूरत तो पड़ेगी। या बहुत सारी चीज़ है वेबसाइट पे, आप जिसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जो वेबसाइट पे काम करते हैं, तो उनके लिए भी जो है गूगल एडसेंस पिन की ज़रूरत होती है। गूगल एडसेंस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप कमा नहीं पाओगे, मतलब आपका जो है कोई भी जो है अर्निंग का ज़रिया नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो है मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप अगर जो है गूगल एडसेंस बनाते हैं, तो आप सबसे पहले आधार में अपना जो है नाम देखें कि नाम बिल्कुल स्पेलिंग सही हो। उसके बाद जो है भरने के बाद उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर जो है मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद पेन के देखो दोस्तों जो है पेन कार्ड पर आता है, आपका पेन कार्ड और जो है आधार कार्ड सेम होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप जो है पेन कार्ड का जो है, ये मान के चलो पेन कार्ड का जो स्पेलिंग आपका नाम है, एड्रेस है, वो चीज़ आप बिल्कुल उसमें जो है क्लियरली लिखें। इससे जो है क्या होता है कि जो है जब आपके घर जो है डाक आता है, पार्सल जब आता है, ये मतलब गूगल एडसेंस पिन जब आएगा आपके घर, तो जो है डाकिया को जो है पोस्टमैन जो होता है उसको आपका घर ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आपको जल्द से जल्द वो मिल जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये चीज़ गूगल एडसेंस पिन आपको मिलता है, बस समझ लो क्या होता है कि आप जो है अभी आपका जो है एडसेंस जो है बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इस पर आपको जो है सिर्फ जो है बैंक डिटेल आपका जो है डालना है।
और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो है $100 होने के बाद ही जो है YouTube से पैसे जो है आते हैं, जो है खाता में आते हैं, आपके बैंक में जो है जाते हैं। तो जैसे 25 बोलते हैं कि 23 मतलब 23 तारीख को जो है गूगल पे जो मतलब एडसेंस पे आपका जो है, अभी तो पहले गूगल एडसेंस पे जो है अर्निंग दिखता था, अभी तो YT स्टूडियो पे भी आपका दिखने लगा कि आपने कितने महीने में कितने का जो है अर्निंग किया है। तो जो है आप देख सकते हैं YT स्टूडियो में जाएंगे, आप YT स्टूडियो में जाने के बाद देखेंगे कि आपका जो है इतना डॉलर महीने का बना। अगर आपका $100 बनता है तो जैसे कहते हैं 23 तारीख को जो है आपका जो है YT स्टूडियो में पूरा कम्प्लीटली महीने का दिखा दिया जाएगा, और 25 तारीख को जो है आपके एडसेंस में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। एडसेंस में ट्रांसफ़र होने के बाद 25 हो गया, 26 27 को आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नया आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दोस्तों चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।